रूस के सीमांत कर्स्क इलाके में यूक्रेन ने बड़ा हमला कर दिया है। कर्स्क मॉस्को से करीब 550 किलोमीटर दूर है। यहां की कुछ इलाके यूक्रेन के कब्जे में है और अब यहां यूक्रेन की सेना करीब 15 किलोमीटर रूस की सीमा में घुस गई है। यहां जबरदस्त गतिरोध बन गया है क्योंकि रूसी सेना यूक्रेन की सेना को पीछे धकेलने की कोशिश में जुटी है। इस पूरे मामले में हमारी सहयोगी कादम्बिनी शर्मा की रिपोर्ट। रूस के सीमांत कर्स क्षेत्र पर यूक्रेन की सेना का बड़ा हमला हुआ है। ये हमला पहले तो इस तरह की घुसपैठ जो है वो मिलिशिया करती थी, लेकिन अब इस बार सेना की ट्रूप्स जो हैं सैनिकों ने, यूक्रेन सेना के सैनिकों ने इस तरह का हमला किया है। कर्स क्षेत्र जो है, प्रांत जो है, वो मॉस्को से करीब 330 मील दूर है। वहां पर यूक्रेन की सेना ने कुछ गांवों पर और एक शहर के कुछ हिस्से पर कब्जा कर लिया है। वहां से आ रही रिपोर्ट के मुताबिक काफी शेलिंग हुई है, बमबारी हुई है और उसके बाद वहां से नागरिक जो है, आम नागरिक, तेजी से बाहर सुरक्षित जगहों पर जा रहे हैं। एक हफ्ते से, करीब 4 से 5 दिन से रूसी सेना यूक्रेन की सेना को पीछे धकेलने की कोशिश कर रही है, लेकिन मुश्किल हो रही है। कई तस्वीरें ऐसी आई जहां पर यह देखा गया कि बड़ी संख्या में रूसी सैनिकों ने यूक्रेन की सेना के आगे सरेंडर किया है, उन्हें युद्धबंदी बनाया गया है। राष्ट्रपति पुतिन ने इसे उकसावे की एक बड़ी कार्रवाई बताया है। असल में 2022 जब ये लड़ाई शुरू हुई थी उसके बाद ऐसा पहली बार हुआ है कि रूस के क्षेत्र में इस तरह से इतनी दूर तक यूक्रेन की सेना घुस आई है। अमेरिकी, यूक्रेनियन और जो रूसी अधिकारी हैं वो मानते हैं कि ये तभी संभव हुआ है जब जो अमेरिका ने जो बख्तरबंद लड़ाकू गाड़ियां दी थी, आर्मर्ड व्हीकल्स जो दिए थे, उनके जरिए वो इस्तेमाल हुए हैं। और ये इस्तेमाल जो है अमेरिका ने ऐसे इस्तेमाल के लिए, यानी रूस के अंदर हमले के लिए अपने हथियारों को कहा था कि वो इस्तेमाल नहीं होंगे। लेकिन मई में बाइडेन प्रशासन ने नीतियों में बदलाव किया, कहा कि अगर किसी जगह पर यूक्रेन पर हमले की तैयारी हो रही है तो वहां पर यूक्रेन का हमला, अगर रूस के अंदर भी वो क्षेत्र आता है तो वो वाजिब है। और अमेरिकी जो रक्षा मंत्रालय है उसकी प्रवक्ता ने भी इसी तरह का बयान अभी दिया है। हालांकि अभी यूक्रेन में ऑन रिकॉर्ड कोई कुछ नहीं कह रहा है, लेकिन वहां के प्रेसिडेंट के एक एडवाइजर के बारे में माना जा रहा है कि उन्होंने बिना नाम लिए एनोनिमसली ये कहा है कि कम से कम 100 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका जो है अब यूक्रेन के कब्जे में है और ये कर्स का इलाका है। असल में कर्स ही वो इलाका है जहां से सटे हुए सुमी में, जो कि यूक्रेन का इलाका है, वहां पर लगातार बमबारी हो रही थी और वहां पे हमले को यूरोपियन यूनियन के प्रवक्ता ने भी सही ठहराया है। कहा है कि एक डिफेंस का एक्ट है और यूक्रेन को इसका पूरा अधिकार है। वैसे माना यह जा रहा है कि इस तरह से हमले और कब्जा करके इलाकों को आगे निगोसिएशन के लिए रूस के साथ यूक्रेन जो है एक जमीन तैयार कर रहा है। दिल्ली से कादम्बिनी शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।